जी वेलकम बैक वंस अगेन, बहुत बहुत स्वागत और नए टॉपिक के साथ और नई जगह के साथ। तो हाँ, आज मैं पहुंच गया हूँ अटलांटिक ओशियन और उसके बीच ग्रैन कैनेरिया और उसके बीच लास पाल्मास। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर आइलैंड है ये। तो आज हम इसकी आपको बहुत अच्छी शेयर करवाने वाले हैं। पीछे देख सकते हैं वेदर बहुत ही अच्छा, सुहाना सफ़र आज मैं आपको फिर से करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको बता दूं, देखो यहाँ पे पूरे लड़के ये पूरे स्केटबोर्ड से खेल रहे हैं, इतने एक्टिव लड़के हैं। देखो पूरे स्टंट मार रहे हैं यहाँ पे स्केटबोर्ड से। हम बाइकों पे घूमते हैं, स्केटबोर्ड से पूरे स्टंटिंग कर रहे हैं, कितने एक्टिव लड़के हैं यहाँ पे देखो। और सामने सरदार जी भी आए हुए घूमने, लास पाल्मास के मजे ले रहे हैं सरदार जी भी। तो यहाँ पे मेन सिटी में आ गए, अभी मेन सिटी के बीच खड़ा हूँ। यहाँ का ये नेम के साथ बोर्ड है और ये मेन सिटी का एंट्रेंस है। यहाँ से अगर आप शिप से आते हो तो 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और पूरा शॉपिंग यहाँ पे आपको अगर शॉपिंग करनी है, और हाँ ये पूरा आइलैंड जो भी ये पूरे आइलैंड है, 7 आइलैंड है यहाँ पे स्पेन के ये, तो ये पूरा ग्रैंड कैनरी आइलैंड टैक्स फ्री है। यहाँ पे बहुत इंडियन शॉप है, जैसे प्रेम प्रकाश जी, इनके अंदर चलते हैं और देखते हैं। लास पाल्मास की शॉप के अंदर आया हूँ इसमें, और शॉप में आईफोन की बहुत डिमांड थी। सारे पूछ रहे थे आईफोन का क्या प्राइस है यहाँ पे और कितने का मिलेगा, कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं पता लाइव आपको मैं प्राइस बता देता हूँ यहाँ पे, और टैक्स फ्री है ये लास पाल्मास जो करेनी आइलैंड है, ये टैक्स फ्री है। तो सर जी से बात कर लेते हैं, और सर शॉप भी इंडियन है यहाँ पे, भाई की शॉप करता भाई जी यहाँ पे, और पूछ लेते हैं भाई से कितना प्राइस है। नमस्कार भाई जी। तो भाई जी इंडियन शॉप है भाई की यहाँ पे लास पाल्मास में। भाई जी कितने का 14 प्रो आपको पड़ेगा सर 1300 यूरो। और 1300 यूरो का भाई रेट बता रहा, 1300 टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है। 256 GB कितने का पड़ेगा? 256 GB 100 यूरोस मोर, 100 यूरो का डिफरेंस रहेगा इसमें। तो आप देख सकते हैं इंडिया का कंपैरिजन प्राइस कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन थे आपके कि क्या प्राइस रहेगा, तो यहाँ पे टैक्स फ्री है सबसे बात, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यूरो और इंडियन करेंसी में, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। दो आईफोन बुक कर दिए भाई जी, दो आईफोन बुक कर दिए, और सिर्फ दो दो बहुत है या कम से कम 20-25 भाई बोल रहा ले जाए। नहीं भाई इतनी की बेस्ट नहीं है। तो 29 को हम यहाँ वापस आएंगे, और भाई ने बोला कि रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो मिलते हैं भाई जी 29। ओके, रेट भी बता दिए भाई यार सभी को, जहाँ तक मेरा हुआ मैंने रेट बता दिया। बाहर आ गया मार्केट से, अब चलता हूँ मैं बीच की तरफ, बहुत फेमस बीच है यहाँ पे, खाते पीते हैं वहाँ पे। शाम के 6 बजे हैं, और क्या आप देख ही रहे हैं नज़ारे यहाँ के, बहुत अच्छे, विंड भी चल रही है और लोग भी मजे ले रहे हैं। मैं आपको सारा दिखाऊंगा, आज 2-3 घंटे और बाहर हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जरूर। तो बीच भी देखते हैं, यहाँ के बहुत फेमस बीच है। खाने पीने का है तो पार्टी शार्टी भी करते हैं सारे भाई हैं, और भाई जी पार्टी शार्टी बिल्कुल है, तो चलते हैं बीच की तरफ। मैं तो भाई नहाना तो नहीं बीच में ना भाई, ठंड का वैसे वेदर हो रखा है। तो पैर को आते तो आपको यहाँ का पूरा दिखाते, बहुत फेमस बीच है यार लास पाल्मास में, टॉप 10 में भी आता है ये बीच। तो अभी तो यहाँ का पूरा एम्प्टी पड़ा है ना, तो पूरा क्राउड मिलता भी यहाँ पे आपको बीच पे। भाई बता फिर क्या ले रहे मजे? पता चला बीच पे आए थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ऑलरेडी रात हो चुकी, तो बीच में रात को नहीं आते, रात को नहीं आते बीच में, फिर मजे ले ली यार, मजे करो जिंदगी के। सनसेट के पीछे बहुत अच्छा यार, फोग पड़ी हुई है और भाई बहुत ही कुछ लास पाल्मास में नज़ारा ले रहा है, पीछे फोग पड़ी। और अभी हम बुफे देखते हैं यहाँ पे, और पार्टी शार्टी करते हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या रेट रहेंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो चलते हैं बुफे वुफे की तरफ और नाइट लाइफ का इंजॉय करते हैं यहाँ पे। सी साइड में पूरे रेस्टोरेंट है आपको खाने पीने के, यहाँ पे कुछ खाना तो सी साइड में पूरे रेस्टोरेंट, और पब्लिक यहाँ पे पूरे वॉलीबॉल के मजे ले रही है। शाम के 6 बज गए और इवनिंग टाइम के पूरे मैच का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे वॉलीबॉल टीम। देखने लायक जगह है यार, बहुत ही अच्छी लगी मेरे को तो नाइट लाइफ यहाँ की, आपको भी आना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। यूरोप में पड़ता है ये लास पाल्मास, रिपीट अगेन फिर से लास पाल्मास, बहुत अच्छा है।
नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की। रेस्टोरेंट मिल गया भाई, एक बहुत ही चीप रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बता दो 10 यूरो में, 10 यूरो में बताया ये रेस्टोरेंट। पीछे आप नाम देख सकते हैं इसका, रेस्टोरेंट का नाम है वर्क बुफेट काशा चैन। तो 10 यूरो में अनलिमिटेड खाना है जितना मर्जी। तो चलते हैं और टैग करते हैं और खाना खाते हैं सी साइड में। भाई अनलिमिटेड खाना है और भाई ने प्रॉन चूज़ किए हैं, देख लो जी। आज ये फ्राई करके स्पाइसी करके खाएंगे और भी देखते हैं क्या क्या है यहाँ। फिश है बहुत अच्छी फ्रेश, भाई ये खा लेगा ना भाई? सबके लिए यार, सबके लिए बोले ठीक है, चार बंदों के लिए ले लिए। स्ट्रीम भी डाल लो और ये फिश भी है भाई जी। मैं तो खाऊंगा सलाद और खाऊंगा फ्राई फिश भाई। यहाँ पे जरूर आए, 10 रुपए का अनलिमिटेड खाना है, ये खाएंगे और क्या खाएंगे और खाएं हम फिश खाते। फिश 10 रुपए में अनलिमिटेड खाना है, फिर से तो फिश खाते हैं। ओके फिश खाते हैं, फ्रेश फिश है, फ्राई करके देंगे ये। एक मेले भी डालो भाई जी के लिए भी, एक डालते बड़ा पीस डालना और फिश स्पाइसी बनवाना है। स्पाइसी चलो बनाते हैं भाई, चलो मिलते हैं फिर। ऑर्डर कर दिया यार और ये मैम आ गए यहाँ पे, 3 बियर लेके आ गई है और शाम का टाइम है, बहुत फुल पियेंगे खाएंगे और मस्ती करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे बीच के किनारे। रेस्टोरेंट हमारा फुल क्राउड रहेगा आज, जुड़े रहे लास्ट तक। दिखाएं कभी, देखो दिखा दो, देख से दिखा दो। प्राउंड से भाई हैं सारे, खाने का मजा ले। बहुत अच्छा टेस्ट है, फिश भी आ रही है फ्राई, सारा सी फूड है बस। ओके भाई जी, एक और चीज मंगवाई है मैंने, ओइस्टर शेल बाहर से और अंदर से, खाने को बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है भाई जी। आपने खाया था? बहुत अच्छा सी फूड है ये, एक नंबर है। और इंडिया में मेरे को नाम नहीं पता इसका, इंग्लिश में ओइस्टर बोलते हैं इसको। और ये भी बता दूं, बाहर दिखाया था मैं आपको, तो लाइट में दिखा दूं, प्राउंस जीगा बोलते हैं इस इंडिया में, वो अनलिमिटेड खाना है 10 यूरो में। तो नजारे ले और देखते रहे वीडियो एंड तक। खाना खा के यार मजा आ गया, बीच के किनारे देख सकते हैं फुल मजे। भाई अभी भी अंदर खाना खा रहे हैं तो बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो बहुत अच्छा आनंद लिया हमने यहाँ पे घूमने का। रेस्टोरेंट का नाम है फिर बता दूँ, नाम है वर्क बुफेट काशा चैन। तो ये बीच के बिल्कुल किनारे, 10 यूरो में बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। तो लाइक एंड शेयर कर दें और ऐसे आपको मैं नए नए कंट्रीज घुमाता रहूँगा, तो मज़े ले लो और ज़िंदगी के खुश रहो हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी जर्मनी वगैरह में, आई डोंट नो, मेरे को भी पता नहीं होता कहाँ जाना है, बता दूंगा आपको, अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। तो लाइक एंड शेयर कर दें देसी भाई के लिए भी और जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।